फ्रेंड्स, कल हमने क्लास सी चॉपर तक देखा था। डी और ई हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चॉपर है जो जॉन्स चॉपर और मॉर्गन चॉपर, वो दो देखेंगे। ट्राई करेंगे कि दोनों ख़त्म हो जाएं, लेकिन शायद एक हो सकता है। सो जो लोग अपने से कनेक्ट हो चुके हैं वो लोग एक बार एनरोलमेंट नंबर कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इन्फॉर्म टू ऑल योर फ्रेंड, जल्दी से जुड़े हमारे साथ, इन्फॉर्म कीजिए आप। गुड मॉर्निंग हार्दिक, प्रफुल्ल, रणमल, भार्गवी, मोहित। इन्फॉर्म टू ऑल योर फ्रेंड। जॉन चॉपर एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड कमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग का ही एनरोलमेंट नंबर है, बाकी सब कहाँ है भाई? नो। जॉन चॉपर की आप फिगर अगर देखते हो तो, और आपके पास बुक है तो आप इसके साथ क्लास डी चॉप कम्यूटेशन चैप्टर नंबर 2 की भी फिगर एक बार निकाल लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये फिगर जो इतनी फिगर है वो सेम है। क्लास डी कम्यूटेशन, यहाँ पे देखो आप, क्लास डी कम्यूटेशन, ये देखो क्लास डी जो कम्यूटेशन है आपका, वो और जॉन चॉपर, उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी है। वही आपको एक्सप्लेन करना है पहले 2 पैराग्राफ में, और उसके बाद हमें आगे का एक्सप्लेन करना है। सो इन्फॉर्म ऑल योर फ्रेंड। जो भी लोग ज्वाइन हुए वो एक बार अपना एनरोलमेंट नंबर कमेंट कर दीजिए। गुड मॉर्निंग आशुतोष, सौरभ, मेहुल, पुष्पराज, मीत, तारिका, वेर इज रविंद्र, ध्रुविल छे भाई। सितुडी नीलेश रबाई, ओके। सो वेर इज योर अदर फ्रेंड, इन्फॉर्म टू ऑल योर फ्रेंड। ग्रुप में मैसेज करो, जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाए। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग जैमिन, ओके। सो जॉन चॉपर, जॉन चॉपर चॉपर की आप अगर फिगर देखो तो ये क्लास डी कम्यूटेशन, अगर किसी ने वेरीफाई किया तो कमेंट करके बता सकते हैं, यस सर इतना तो क्लास डी में था ही। क्लास डी कम्यूटेशन इज़ यूज इन द चॉपर, राइट। यहाँ पे भी लिखा है बुक में, क्लास डी कम्यूटेशन के जैसा ही होता है। अभी क्लास डी कम्यूटेशन में क्या था, कोई बोलेगा T1 जो था वो मेन SCR था और T2 जो था वो एक्जिलरी SCR था। T1 जो है वो कौन सा SCR है, मेन, और T2 जो है वो ऑक्सिलरी SCR है। कैपेसिटर सी, डायोड D1 और जो इंडक्टर L1 और L2 है वो आपको ऐसा लिखना है, इंडक्टर L1 एंड L2 आर क्लोज कपल या क्लोजली कपल। वी हैव टू कनेक्ट इंडक्टर L1 एंड L2 विथ क्लोजली कपल, यानी कि वो एक वन टाइप ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर डिवाइस है। सो कैपेसिटर गेट सफिशियंट एनर्जी टू मेक SCR T1 ऑफ, हमें T1 को ऑफ करने के लिए कैपेसिटर में एनर्जी चाहिए, और कैपेसिटर को सफिशियंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम L1 और L2 इंडक्टर को क्लोजली कपल करते हैं। यहाँ पे आर्मेचर R
आर इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस यानी यू कैन से लोड है आर, एल इज इंडक्टर एंड मोटर वी हैव टू कनेक्ट इंडक्शन ऑफ आर्मेचर एंड एक्सटर्नल इंडक्शन मोटर, या आप कोई भी अदर मोटर भी कनेक्ट कर सकते हो एसी मोटर। सो मोटर विल रन, आपकी जो मोटर है ना वो दोनों कंडीशन में रन करेगी कि जब भी आपका एसीआर ऑन हो या ऑन ऑफ हो। मोटर विल रन विद द स्पीड बिटवीन मैक्सिमम टू जीरो स्पीड बाय द मेकिंग एसीआर T1 ऑन और ऑफ। जैसे ही आपका एसीआर T1 और T2 है उसको ऑन और ऑफ करेंगे, उसके बिटवीन में आपकी जो मोटर है वो मैक्सिमम से जीरो स्पीड के बिटवीन में उसकी स्पीड वेरिएशन होगा। अभी आपको जो क्लास डी कम्यूटेशन में जो लिखा था आपने, वही आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। जब भी आपका T1, ये मोस्ट एमबी थियरी है, इन्फॉर्म टू ऑल योर फ्रेंड। अगर आप प्रीवियस पेपर देख लो तो आपको पता चलेगा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी है। बाकी सब कहा सो गए क्या? ओके, आपको कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास T1 जो है वो मेन एसीआर है, T2 है वो ऑक्सिलरी एसीआर है, कैपेसिटर डायोड और को कनेक्ट किया है, और जो L1 और L2 है, जो आपका L1 और L2 है उसको क्लोज कपल किया है, जिससे क्या होगा कि आपका कैपेसिटर सफिशियंट चार्ज होगा। आपका जो कैपेसिटर है वो सफिशियंट चार्ज होगा जिससे वो टी वन को ऑफ कर पाए, यानी कि SCR1 को ऑफ करने के लिए कैपेसिटर में सफिशियंट एनर्जी चाहिए। इसलिए हम L1 और L2 को क्लोज कपल करते हैं। इंडक्टर L, रेजिस्टेंस R और मोटर को हमने एस शो इन फिगर कनेक्ट किया है। अभी हम क्या करेंगे वर्किंग, जब हम T1 को ऑन करते हैं, जब हम T1 को देखो यहाँ पे पहले कंडीशन समझ लेते हैं कि जब T1 ऑन होता है तो क्या है और T1 ऑफ होता है तो क्या है, फिर हम देखेंगे कि T1 को ऑन ऑफ कैसे करते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, T1 ऑन होता है तो क्या होता है, जब भी T1 ऑन होता है तब आपका करंट DC सोर्स T1, T1 से L1, L1 से L, L से R, R से मोटर और मोटर से वापस DC सोर्स, ये डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होता है। फिर से जब T1 ऑन होता है तब आपका करंट DC सोर्स से T1, T1 से L1, L1 से L, L से R, R से मोटर और वापस DC सोर्स, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ड्यूरिंग दैट आपका इंडक्टर चार्ज होता है, लेफ्ट हैंड साइड की प्लेट नेगेटिव और राइट हैंड साइड की प्लेट पॉजिटिव होती है। ये स्टेप नंबर 1 जिसको पता चल गया वो S1 थम या डन करके आपका एनरोलमेंट नंबर लिख के आपको कमेंट करना है। S1 थम या डन और एनरोलमेंट नंबर लिख के कमेंट करना है। फिर से एक बार, जब आपका T1 ऑन होता है तब आपका करंट DC सोर्स से जाता है T1, DC सोर्स से T1, T1 से आपका L1, L1 से L, L से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से अभी तक सिर्फ योगिता का ही रिप्लाई है, बाकी सबका रिप्लाई नहीं आया। वेरी गुड। तब इंडक्टर चार्ज होता है, लेफ्ट हैंड साइड की प्लेट पॉजिटिव होती है, राइट हैंड साइड की प्लेट नेगेटिव होता है। जैसे ही हम T1 को ऑफ करेंगे, T1 को ऑफ कैसे करेंगे वो क्लास डी कम्यूटेशन में था वही लिखना है, इसलिए हम वो बाद में थियरी करेंगे। लेकिन पहले देखो, जैसे ही हम T1 को ऑफ कर देते हैं, जैसे ही हम T1 को ऑफ कर देते हैं, आपका ये जो है इंडक्टर वो डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज कैसे होता है, इंडक्टर से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से इंडक्शन मोटर, वहाँ से फ्रीव्हील डायोड D2 और वापस L, ये डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होता है। देखो पहले आपका ये प्लस था और ये माइनस था, जैसे ही वह डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो आपका करंट कहाँ से फ्लो होगा, इंडक्टर से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से मोटर, मोटर से D2 और वापस इंडक्टर। सो आपका मोटर में कंटिन्यूस करंट फ्लो होगा, मोटर बंद होने के चांसेस नहीं है। ये था आपका स्टेप नंबर 1 और 2। जिसको स्टेप नंबर 2 पता चल गया वो स्टेप नंबर 2
थंब और एनरोलमेंट नंबर अगर 51 है तो 51 करके कमेंट कर सकते हैं। जिसको नहीं पता चला वो दो उस वो स्टेप फिर से दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जब आपका T1 ऑपरेट होता है तब आपका करंट DC सोर्स से T1, T1 से L1, L1 से L, L से R, R से मोटर, मोटर से वापस DC सोर्स, तब आपका इंडक्टर चार्ज होता है। आपको यहाँ पे उसकी पोलारिटी लिखने की ज़रूरत कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ऐसा लिख सकते हो इंडक्टर चार्ज होता है। और जब T1 ऑफ होता है तब आपका इंडक्टर डिस्चार्ज होता है, जिससे आपका करंट इंडक्टर, रजिस्टर से आपका करंट मोटर, मोटर से वापस D2 और D2 से वापस इंडक्टर की ओर करंट फ्लो होता है, वापस करंट इंडक्टर की ओर फ्लो होता है, जिससे क्या आपका लोड को आपके लोड को कंटिन्यूस सप्लाई मिले। जो लोग अभी लेट ज्वाइंट हुए वो दोनों स्टेप समझ ले और कमेंट कर सकते हैं, एज वेल एज आप अपने एनरोलमेंट नंबर भी कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी करना है आपको एक बार। सब प्रोसेस साथ में होनी चाहिए। जिसको भी पता चल गया वो S1 S2 दोनों वो कमेंट करें, जिससे हम अभी T1 और T2 को कैसे ऑन ऑफ करते हैं वो जो क्लास डी में देखा था वो एक बार फिर से समझ लें, जिससे ये थियोरी आपकी फिनिश हो जाए। याद रखना जॉन चॉपर अगर बोलते हैं ना तो एग्ज़ाम में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ग्राफ नहीं है। मॉर्गन चॉपर में ग्राफ है इसलिए वो दिक्कत हो जाती है, लेकिन जॉन चॉपर में ग्राफ नहीं है। H2 डन, किसने बोला? हार्दिक ने बोला, मेहुल ने, वेरी गुड। राणा तारिका, भार्गवी, प्रफुल, वेरी गुड। ओके सो अब क्या था, हम T1 और T2 को ऑन ऑफ कैसे करते हैं वो देखना है। देखो ये पहले देखो, आपको ये पहले पैराग्राफ में जो मैंने बोला ना वो एक्सप्लेन कर दिया। अभी आपको ये जो पैराग्राफ है ना उसमें T1 और T2 कैसे ऑन ऑफ होता है वो देखना है। तो आपको अगर क्लास डी कम्यूटेशन याद हो तो आप क्लास डी कम्यूटेशन में क्या करते थे, पहले T1 को ऑन नहीं करते थे। अगर आपको प्रॉपरली याद हो तो आप पहले T1 को ऑन नहीं करते थे, आप पहले कैपेसिटर को चार्ज करते थे। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, सपोज़ इनिशियली आपका कैपेसिटर चार्ज है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि कैपेसिटर को कैसे चार्ज करना है। सपोज़ आपका इनिशियली कैपेसिटर चार्ज होता है तो आपको डायरेक्शन नहीं लिखनी है, अदरवाइज आपको डायरेक्शन लिखनी है। डीसी सोर्स कैपेसिटर T2 को ट्रिगरिंग पल्स देते हैं और यहाँ से करंट फ्लो होता है। ड्यू टू दैट क्या होता है कि आपका कैपेसिटर चार्ज होता है। जैसे ही आपके कैपेसिटर की एनर्जी डीसी सोर्स जितनी हो जाती है, यहाँ से करंट फ्लो होना यानी चार्जिंग करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है T2 अपने आप ऑफ हो जाता है और फिर आपका स्टेप चालू होता है T1। ये तो यहाँ पे बुक में आपको इतना याद रखना है कि सपोज इनिशियली कैपेसिटर हैज़ बीन चार्ज बाय टू सोर्स वोल्टेज EDC, जिससे उसकी अपर की प्लेट है वो पॉजिटिव होगी और लोअर की प्लेट है वो नेगेटिव होगी। अभी T1 को ऑन करते हैं, तो T1 को जब भी ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपने देखा था कि T1 को ऑन करते हैं तब आपका करंट DC सोर्स T1 L1 ये करंट फ्लो होता है, आपको पता ही है, मुझे भी पता है। लेकिन उसके साथ आपका कैपेसिटर भी अब बैटरी के जितना चार्ज है इसलिए कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ए से T1, टी से L2, L2 से D2 और D2 से वापस कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। और डिस्चार्ज हो जाने के बाद रिवर्स पोलारिटी में चार्ज होता है, यानी कि उसकी लोअर प्लेट पॉजिटिव होती है और अपर प्लेट नेगेटिव होती है। फिर से जब आपका T1 ऑन होता है तब आपके T1 में से दो करंट फ्लो होते हैं, एक करंट जो है सोर्स में से, सोर्स T1, फिर L1, LR, मोटर और वापस सोर्स, और दूसरा जो करंट है वो कैपेसिटर से T1, T1 से L2, L2 से D1 और वापस कैपेसिटर, जिससे आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और रिवर्स पोलारिटी में चार्ज होता है, जिससे लोअर प्लेट है वो पॉजिटिव होती है और अपर प्लेट है वो नेगेटिव होती है। है आपका स्टेप नंबर 3 जो आपको लिखना है एग्ज़ाम में। स्टेप नंबर 3 थंब और एनरोलमेंट नंबर लिख के आपको, अगर ये पता चल गया तो कमेंट करना है, अगर नहीं पता चला तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप देख लो। जब T1 को इनिशियली हम कैपेसिटर को सप्लाई वोल्टेज से चार्ज करते हैं, यानी कि EDC वोल्टेज से, तब हमारे कैपेसिटर की अपर की प्लेट पॉजिटिव और लोअर की प्लेट नेगेटिव होती है।
जब आप T1 को ऑन करते हो तब ये T1 में से करंट फ्लो होता है, उसके साथ ही आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर T1, L2, D1 और T1 ये रूट पे करंट फ्लो होने की वजह से, देखो यहाँ पे लिखा है, अगर आपको नहीं पता चले तो देखो यहाँ पे ये था और दूसरा करंट था कैपेसिटर आपका D2 एनर्जी स्टोर, सॉरी यहाँ पे लिखा है T1, L2, D1, B और A। कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होता है विथ आपका रिवर्स पोलारिटी में, वो चार्ज होता है, इट मीन्स लोअर प्लेट B बिकम पॉजिटिव एंड A प्लेट बिकम नेगेटिव। यहाँ तक जिसको भी पता चल गया वो कमेंट करके बता सकते हैं। जयमीन, फिर से एक बार मैंने रिपीट किया, अब ना पता चला तो आप फिर से रिपीट ऐसा कमेंट कीजिए जिससे मैं फिर से एक बार रिपीट कर सकता हूँ। आपके T1 में से दो करंट फ्लो होते हैं, कौन सा करंट T1 में से दो करंट फ्लो होगे जिसको भी पता चला वो कमेंट करके लिखना है कहाँ कहाँ करंट जा रहा है, जिससे कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो रहा है और रिवर्स पोलारिटी में चार्ज होता है, लोअर प्लेट बी बिकम पॉजिटिव, अपर प्लेट ए बिकम नेगेटिव। जयमीन पता चला, ओके डन सर, मिस्टर रनमल वेरी गुड, लेकिन जयमीन आई एम आस्किंग टू जयमीन, जे फॉर जयमीन, जयमीन एनी क्वेरी, ओके वेरी गुड, जयमीन को पता चल गया। और किसी का, बाकी किसी का कमेंट नहीं आया S3 वाला, ओके मिल गया, वेरी गुड, थैंक यू। सो इतना हो गया हमारा S3। अब कैपेसिटर क्या हुआ है, रिवर्स पोलारिटी में चार्ज हो गया है। जैसे ही कैपेसिटर रिवर्स पोलारिटी में चार्ज हो जाए, यानी कि ये प्लस होता है और ये माइनस, तब हम T2 को ट्रिगरिंग पल्स देंगे और T1 को ट्रिगरिंग पल्स बंद करेंगे। कैसे T1, आपको क्या लिखना है, जैसे ही लोअर प्लेट B पॉजिटिव होती है हम T2 को ट्रिगरिंग पल्स देंगे, जिससे आपका करंट B से T2, T2 से T1 और वापस A। तो यहाँ पे T1 का करंट जो है वो होल्डिंग करंट से कम होगा और T1 ऑफ हो जाएगा। आपका करंट कहाँ से आ जाएगा, B से T2, T2 से आपका करंट जाएगा T1, यानी कि जाने का, और वहाँ से A। ये जैसे ही होगा आपका T1 जो करंट है वो होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा और T1 ऑफ हो जाएगा। जैसे ही T1 ऑफ हो जाएगा ये कैपेसिटर का करंट T2 से लोड में चला जाएगा और आपका कैपेसिटर टोटली डिस्चार्ज हो जाएगा। ये था आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 एकदम छोटा है, अगर स्टेप नंबर 4 पता चल गया तो स्टेप नंबर 4 थम और साथ में आपका एनरोलमेंट नंबर लिख के आपको कमेंट करना है। नहीं पता चला तो देखो यहाँ पे लोअर प्लेट प्लस है, अपर प्लेट नेगेटिव है, तो आपका करंट सी से T2, T2 से T1, T1 से वापस सी, तब आपका T1 का करंट होल्डिंग करंट से कम हो जाता है और T1 ऑफ हो जाता है। जैसे ही T1 ऑफ हो जाए, यानी कि ये ओपन सर्किट हो जाती है यहाँ से, तो आपका करंट फिर कैपेसिटर T2 और ये डायरेक्शन में आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है उसको फिर से DC सोर्स से इनिशियली चार्ज करना पड़ता है। रनमल T1 L2 D1 बाय राइट, मिस्टर रनमल सबको करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है ना उसका डायरेक्शन लिखना है। पहले अगर मैं T1 को ऑन करता हूँ तो दो करंट फ्लो होते हैं, तो दोनों करंट का आपको स्टेप है ना वो कमेंट में लिख के बताना है मुझे। यहाँ तक देखो कंप्लीट हो गया। जैसे ही आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, आपको लास्ट टॉपिक में S5 में क्या लिखना है, जैसे ही आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा T2 में से कोई चार्जिंग करंट फ्लो नहीं होगा, यानी T2 भी क्या हो जाएगा आपका ऑफ हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग कंडीशन आ गई T1 और T2 दोनों ऑफ। फिर से T1 ऑफ होने के बाद क्या होगा, कैपेसिटर T2 और लोड में से करंट फ्लो होगा। जैसे ही कैपेसिटर टोटली डिस्चार्ज हो जाएगा आपका चार्जिंग करंट जीरो हो जाएगा। अगर आपको क्लास D कम्यूटेशन अच्छे तरह से याद है तो आपको पता होगा कि जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है आपका चार्जिंग करंट जो है T2 में से वो जीरो हो जाता है, इसलिए T2 ऑफ हो जाता है, यानी कि यहाँ पर T1 और T2 दोनों ऑफ हो जाते हैं। ये पूरी थियरी जिसको पता चल गई वो T अपना
थम और एनरोलमेंट नंबर जो भी हो, सपोज वन है तो वन के साथ आपको 001 के साथ कमेंट करना है। सपोज है आपका 21 तो 21 कमेंट करना है। 18 सीरीज हो या 19 सीरीज हो भी, पूरी थियरी जिसको पता चल गया ऐसा कमेंट करना है आपको। और जिसको कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम हो, सर S1 नहीं आता या S2 नहीं आता या S3 नहीं आता, वो स्टेप आप बोलिए, वो स्टेप मैं रिपीट करूँगा और फिर आप कमेंट कीजिए, फिर आपको स्टेप रिपीट करने हैं। वेरी गुड ध्रुविल, T1 L2 D1 BA राइट। मेहुल सुतार, EDC T1 L1 बराबर, वेरी गुड मेहुल। देखो आपको अगर करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है पता चल गया तो आप कोई भी थियरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इजीली लिख पाओगे, अगर आपको फिगर और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो रहा है वो पता चल गया तो। ये जो हमने करंट देखा ना, यहाँ से यहाँ जाता है यहाँ से, वो माइक्रो और मिली सेकंड उससे भी कम टाइम में फ्लो होता है। इसलिए आपको ये समझना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ करंट हो रहा है। मिहिर पटेल 41 नंबर, आपको अगर मैं T1 को ऑन करता हूँ, अगर मैं T1 को ऑन करता हूँ तो दो करंट फ्लो थे, वो दोनों करंट कमेंट करके बताना है मिस्टर मिहिर पटेल और हितेश चौहान दोनों को। अगर मैं T1 को ऑन करता हूँ तो दो करंट फ्लो थे सर्किट में से, कौन से करंट फ्लो थे वो दोनों आपको कमेंट करके दिखाना है। अगर मैं T2 को ऑन करता हूँ तो कैपेसिटर में से T1 को ऑन वाला मीर और चौहान हितेश दोनों को एक्सप्लेन करना है, यानी कि लिखना है, लिखो आप तो पता चलेगा। ओके, जिसका ये हो गया वो हम मॉर्गन चॉपर देखेंगे। एडवांटेजेस देख लेते हैं, कम्यूटेशन इज गुड, कंट्रोल ऑफ आउटपुट वोल्टेज कैन बी मेड बाय कंट्रोलिंग द फ्रीक्वेंसी और पल्स विड्थ। जैसे हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे उसके हिसाब से हम उसका वोल्टेज को कंट्रोल कर पाएंगे। और द सर्किट कैन बी यूज फॉर शंट और सीरीज मोटर, ये शंट और सीरीज दोनों के लिए यूज होता है। मॉर्गन डिसएडवांटेजेस है, SCR विथ हाई PIV पीक इनवर्स वोल्टेज हैज़ टू बी यूज। हमें जो SCR है ना उसके लिए पीक इन्वर्स वोल्टेज PIV जो है, चैप्टर नंबर 1 में हमने स्टडी किया था PIV, अगर नहीं पता हो तो एक बार वो वीडियो देख लेना, अदरवाइज आप चैप्टर बुक में जाके PIV देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। मीर ये सिर्फ T1 L2 D1 C, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज का करंट है, लेकिन मेन करंट कौन सा है जो T1 में से लोड की तरफ फ्लो रहा है, T1 से लोड की ओर जा रहा है, वो मेन करंट दिखना है आपको। अब नेक्स्ट जो है मॉर्गन चॉपर है, जॉन और मॉर्गन, ये दोनों में से एक एग्जाम में कंपलसरी आने वाला है, वो पक्का है। जॉन और मॉर्गन चॉपर, ये दोनों में से एक आता ही है ऑलवेज। मॉर्गन चॉपर के लिए हमें पहले मॉर्गन चॉपर की सर्किट देखनी पड़ेगी। यहाँ पे भी T1 जो है वो मेन SCR है, यहाँ पे आप एक नया यूज़ हो गया सेचुरेबल रिएक्टर SR, जिसमें एनर्जी स्टोर होती है और कुछ नहीं, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ इंडक्टर सेचुरेबल रिएक्टर। डायोड डी आर द कम्यूटेटिंग कंपोनेंट। T1 जो है वो मेन SCR है, आपको T1 जो है मेन SCR है, सेचुरेटेड रिएक्टर, कैपेसिटर और डायोड डी, ये जो पूरी सर्किट है ना वो कम्यूटेटिंग सर्किट है, यानी कि SCR को ऑन और ऑफ करने के लिए यूज़ होती है। ये करते हैं, आप पहले इसकी फिगर देखिए, एक मिनट आपके पास है, आप फिगर को एक बार शांति से देख लिए, फिर आपको मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। मीर आप एक ही करंट लिखा है, आपको दूसरा करंट नहीं पता है क्या? T1 ऑन होता है तो कहाँ से कहाँ करंट फ्लो रहा है। ओके, सो
इसमें आपको क्या लिखना है, पहले कंस्ट्रक्शन में जो T1 है, जो T1 है वो मेन SCR है, कैपेसिटर सी, सैचुरेबल रिएक्टर SR और डायोड D, ये इतना मिलके कम्यूटेटिंग कंपोनेंट बनाते हैं, यानी कि SCR को ऑफ करने के लिए जो सर्किट है ना वो कैपेसिटर चार्ज। अब स्टार्ट में हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन में इतना ही लिखा है, डायरेक्ट फिर स्टार्टिंग कर दिया है। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, T1 को ऑफ रखते हैं, T1 को क्या रखते हैं, ऑफ, और आपका सप्लाई DC सोर्स, कैपेसिटर, सैचुरेबल रिएक्टर, रिएक्टर से L से मोटर, मोटर से वापस DC सोर्स, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है और आपका कैपेसिटर चार्ज होता है। देखो यहाँ पे लिखा है द कैपेसिटर चार्ज थ्रू द सप्लाई वोल्टेज विथ पोलारिटी एज शो इन फिगर, S1 इज ऑफ चार्जिंग करंट, ये चार्जिंग करंट लिखा है। पोलारिटी में क्या होगा, आपकी लेफ्ट हैंड साइड की प्लेट है वो पॉजिटिव होगी और राइट हैंड साइड की प्लेट है वो नेगेटिव होगी। ये मॉर्गन चॉपर है तो आपको स्टेप नंबर 1 में M1 थंब और आपका एनरोलमेंट नंबर सपोज 16 सीरीज 41 है तो 16 सीरीज 41 लिख के कमेंट करना है। पहले हमें क्या लिखना है कि मॉर्गन चॉपर में T1 कैपेसिटर, सैचुरेबल रिएक्टर और डायोड D1 जो है वो कम्यूटेटिंग सर्किट बनाते हैं। जैसे ही हम स्टार्टिंग में कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमारा करंट जो T1 को हम ऑफ रखेंगे और T1 को ऑफ रखेंगे, हमारा करंट DC सोर्स से, कैपेसिटर से, सैचुरेबल रिएक्टर, इंडक्टर, लोड और वापस DC सोर्स में करंट फ्लो होगा, जिससे आपका कैपेसिटर एज शो इन फिगर, यानी कि फिगर में जो दिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड की प्लेट पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड की प्लेट जो है नेगेटिव है, ये पोलारिटी के साथ आपका कैपेसिटर चार्ज होता है। भाई T10 तो कब से हो गए मोहित कुमार, नई थियरी भी स्टार्ट हो गई, सो M1 M2 नाम दिया है इसलिए नाम चेंज किया है। सो रहे हो क्या, घर पे सो ही रहे हो, मार्च महीने से सब लोग। चलो अभी इसमें ग्राफ है तो आपको ग्राफ के हिसाब से लिखना है। देखो आपने क्या बोला, यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, अब T1 टाइम पे हमें क्या देना है, ट्रिगरिंग पल्स देना है। T1 टाइम पे हमें क्या देना है, ट्रिगरिंग पल्स देना है। हमने T1 को ऑन नहीं किया था, यानी कि उसके अक्रॉस में वोल्टेज मिल रहे थे लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इसलिए ET1 के अक्रॉस में वोल्टेज मिल रहे। अब T1 को हम ऑन करते हैं तो देखो इसके अक्रॉस में वोल्टेज नहीं मिलेंगे, करंट फ्लो होगा। तो अभी आपका करंट कैसे फ्लो होगा देखते हैं। जब भी हम T1 को ऑन करते हैं तब हमारा करंट DC सोर्स से, T1 से, इंडक्टर, मोटर और वापस DC सोर्स में करंट फ्लो होता है। जब भी हम T1 को ऑन करते हैं, यहाँ पे लिखा है एट T1 टाइम, जब हम SCR को ट्रिगरिंग पल्स देते हैं तब हमारा करंट जो मैंने दिखाया डायरेक्शन वो डायरेक्शन में फ्लो होता है। अब आगे जो इम्पोर्टेंट लिखना है वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो जो आपके कैपेसिटर के पास वोल्टेज थे वो सैचुरेबल रिएक्टर में डिस्चार्ज होते हैं, यानी कि कैपेसिटर क्या करता है, ये वोल्टेज है ना इसमें डिस्चार्ज कर देता है, यानी कि जो सैचुरेबल रिएक्टर है उसमें सब वोल्टेज चले जाते हैं, जो सैचुरेबल रिएक्टर है उसमें सब वोल्टेज चले जाते हैं, इन द सेंस के कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और सैचुरेबल रिएक्टर क्या होता है, चार्ज होता है। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि जो वोल्टेज एक्रॉस द कैपेसिटर है, वोल्टेज एक्रॉस द कैपेसिटर कम एक्रॉस द सैचुरेटर रिएक्टर, यानी कि वोल्टेज जो कैपेसिटर के पास है ना वो सैचुरेटर रिएक्टर के एक्रॉस में आते हैं, जिससे जो फ्लक्स ऑफ सैचुरेशन को रिएक्टर गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव सैचुरेशन, और जब तक वो नेगेटिव पे नहीं पहुंच जाता कैपेसिटर अपनी पोलारिटी चेंज नहीं करेगा। वो देखना है आपको, मैं दिखाता हूँ। ये रहा आपका EDC वोल्टेज, जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज है वो सैचुरेशन रिएक्टर के अक्रॉस में आते हैं, वो पॉजिटिव सैचुरेशन रिएक्ट, आपका जो यहाँ पे एक वर्ड है कि आपका जो सैचुरेशन रिएक्टर फ्लक्स है, फ्लक्स किसके अक्रॉस में, सैचुरेबल रिएक्टर के अक्रॉस में जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव सैचुरेशन रिएक्टर तक जाता है, यानी कि उसके अक्रॉस में वोल्टेज माइनस EDC जितने हो जाते हैं, दस मिनट
देखो आपका जो कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज है वो आपने किसको दिए, एसआर को। एसआर क्या है, सेचुरेशन सेचुरेबल रिएक्टर। तो उसमें क्या होता है, सेचुरेशन रिएक्टर में वाइंडिंग होती है, तो वाइंडिंग में जैसे ही वोल्टेज मिलते हैं तो करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होने की वजह से अराउंड फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो वो जो फ्लक्स है ना उसकी वजह से उसके वोल्टेज पॉजिटिव से लेके नेगेटिव माइनस ईडीसी तक पहुँचते हैं। जब तक वो माइनस ईडीसी तक नहीं पहुँचते तब तक आपका कैपेसिटर पोलारिटी चेंज नहीं करेगा, ये आपको पहले लिखना है। देखो क्या लिखना है आपको, कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो किसे मिलेगा, सेचुरेबल रिएक्टर को। जैसे ही वो सेचुरेबल रिएक्टर को मिलेगा वो पॉजिटिव सेचुरेशन से नेगेटिव सेचुरेशन तक जाएगा, पॉजिटिव सेचुरेशन से वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव सेचुरेशन तक जाएगा, और नेगेटिव सेचुरेशन पे जाएगा जिससे क्या होगा कि वोल्टेज अक्रॉस दी, जब तक वो नेगेटिव पे नहीं पहुंच जाता, जब तक वो नेगेटिव पे नहीं पहुंच जाता, देखो यहाँ पे लिखा है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर रिमेन कांस्टेंट विद द सेम पोलारिटी। जब तक वो नेगेटिव पे नहीं पहुंचा उसके वोल्टेज जो है कैपेसिटर के अक्रॉस में सेम रहेगा विद सेम पोलारिटी, और जैसे वो नेगेटिव पे पहुंच जाता है वो आपका कैपेसिटर टोटली डिस्चार्ज हो जाएगा, डन। इसके लिए जो टाइम लगेगा पॉजिटिव से नेगेटिव तक पहुंचने के लिए, दिस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर फ्रॉम रेजोनेंस सर्किट डिस्चार्जिंग टाइम इज पाई अंडर रूट एल सी, यानी एल यानी सैचुरेशन रिएक्टर का इंडक्टर और सी यानी सेकंड, इतनी सेकंड में वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक पहुंच जाएगा। ये पूरे पैराग्राफ में आपको सिर्फ यही एक सेंटेंस लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। वहाँ पे जो एल एस है वो इंडक्टेंस है आफ्टर द सेचुरेशन, इतना ही लिखना है आपको। और डिस्चार्ज टाइम ऑफ द कैपेसिटर इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू एल एस इज वेरी स्मॉल, ये कुछ नहीं लिखना है आपको, इतना ही लिखना है द डिस्चार्ज टाइम इज पाई अंडर रूट एल एस सी, जहाँ पे एल एस जो है वो इंडक्टेंस है आफ्टर सेचुरेशन। अभी जब वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर बिकम माइनस सी डी सी, अभी क्या होगा, कैपेसिटर ने अपनी पोलारिटी ये पता चल गया तो आप बोल सकते हैं ये बहुत सबको डिफिकल्ट लगता है, यानी ये फ्लक्स वाला है, तो आपको यहाँ पे लिखना है एफ। ये स्टेप में आपको क्या लिखना है, ये स्टेप में आपको लिखना है, अगर फ्लक्स वाला पता चल गया तो एफ आपका एनरोलमेंट थंब और एनरोलमेंट नंबर। अगर नहीं पता चला है तो फिर से एक बार बोलता हूँ, जब आपका टी वन ऑन होता है तब आपका करंट नॉर्मली टी वन में से ऑपरेट होता है, लेकिन ये कैपेसिटर है ना उसके पास 100 वोल्टेज है, वो 100 वोल्टेज किसे देता है, इसके अक्रॉस में ऐसे देता है। देखो ये कैपेसिटर के ये यहाँ पे वोल्टेज दे देता है, तो इससे क्या होगा, इसके अक्रॉस का जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स ऑफ सेचुरेशन रिएक्टर, वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक पहुँचेगा। देखो ये वेवफॉर्म में देखो वो ई डी सी से माइनस ई डी तक पहुँचेगा, यानी कि वोल्टेज उसके इतने हो गए लेकिन वो पॉजिटिव फ्लक्स से नेगेटिव सेचुरेशन फ्लक्स तक पहुँचेगा, और जब तक वो नेगेटिव सेचुरेशन तक नहीं पहुँचेगा कैपेसिटर अपना जो वोल्टेज पोलारिटी है वो चेंज नहीं करेगा। यस सर, आई कैन रिपीट। देखो क्या होता है, फिर से देखो, स्टेप नंबर वन सबको पता चल गया, स्टेप नंबर टू देखो। स्टेप नंबर टू में टी वन ऑपरेट होता है तो आपका करंट देखो यहाँ से यहाँ पे फ्लो हो गया, इतना पता चल गया, डन हो गया। अभी यहाँ पे जो वोल्टेज है ना वो वोल्टेज इसको मिल रहे हैं, कैपेसिटर इज़ वर्क लाइक अ बैटरी, तो बैटरी के वोल्टेज किसे मिलेंगे, सेचुरेटर रिएक्टर को मिलेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टी वन को ट्रिगरिंग देखे, जब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कम्स अक्रॉस द सैचुरेटर रिएक्टर, इतना पता चल गया तो थंब देके कमेंट कीजिए, फिर मैं आगे एक एक स्टेप लेता हूँ। योगिता ये पता चल गया, ये सेंटेंस जो मैंने येलो बोल्ड किया है वो, अश जैमिन दीपिका ये जो मैंने बोल्ड किया है वो पता चल गया तो कमेंट करो। कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज है ना वो सैचुरेटर रिएक्टर के अक्रॉस में आता है, यानी कैपेसिटर अपना वोल्टेज वो सेचुरेशन रिएक्टर एसआर को दे देता है, एसआरके को नहीं देता है, एसआर को देता है।
ओके डन। अभी क्या हुआ कि आपका जो फ्लक्स अभी सेचुरेशन रिएक्टर यानी क्या होता है, इंडक्टर होता है। तो इंडक्टर में क्या होता है, जैसे ही वोल्टेज मिलेगा करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से उसके सराउंडिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा एज पर दी फैराडेज लॉ। तो जो फ्लक्स है ना, वो फ्लक्स ऑफ द सेचुरेटर कोर, उसमें जो फ्लक्स रहता है सेचुरेटर रिएक्टर का फ्लक्स है, वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव सेचुरेशन तक जाता है। अगर फ्लक्स पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो वोल्टेज भी क्या होगा, प्लस ईडी से माइनस ईडी जाएगा। तो ये क्या बोलते हैं, वो पॉजिटिव सेचुरेशन रिएक्टर से नेगेटिव जाएगा, जब तक वो नेगेटिव नहीं पहुंचता है, जब तक वो नेगेटिव नहीं पहुंचता है, कैपेसिटर अपनी पोलारिटी चेंज नहीं करेगा, वही पोलारिटी रखेगा। और अनटिल द नेगेटिव सेचुरेशन पॉइंट इज रीच, जब तक वो नेगेटिव पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, तब तक कैपेसिटर अपनी पोलारिटी चेंज नहीं करेगा। ये पता चल गया योगिता, ये दोनों लाइन देखो, मैं फिर से मार्क करता हूँ। फ्लक्स जो है सेचुरेशन कोर रिएक्टर में, वो पॉजिटिव सेचुरेशन से नेगेटिव सेचुरेशन तक जाएगा, और जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है, वो जब तक नेगेटिव सेचुरेशन पे नहीं पहुंच जाते, तब तक वो उसकी पोलारिटी सेम ही रखेगा। ये पता चल गया शिवम, अनमोल, जयमीन, दीपिका, भार्गवी, ये पता चल गया, ये पता चल गया। तो यस सर लिखो से, यस सर। दीपिका कमेंट कीजिए, यस सर, गॉट इज दैट पॉइंट, यस सर, वेरी गुड, डन। अभी क्या होता है, जो सेकंड पैराग्राफ है ना, उसमें बहुत सारी बातें की है कि ये यहाँ से यहाँ पे पहुँचता है तो क्या होता है, क्या टाइमिंग लगता है, डिस्चार्ज होता है, बहुत सारी बातें की है। लेकिन आपको वहाँ पे इतना ही लिखना है कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, वहाँ पे डिस्चार्ज टाइमिंग इतना लगेगा। जहाँ पे जो LS है ना, वो क्या है, तो वो आपका इंडक्टेंस है, सेचुरेशन रिएक्टर का इंडक्टेंस है, बस इतना लिखना है आपको। अभी क्या होगा, द वोल्टेज, देन द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर बिकम माइनस EDC, राइट। वो हमने ग्राफ पेपर में देख लिया कि वो कितना होता है, माइनस EDC, विच इज अवेलेबल एक्रॉस द सेचुरेबल कोल रिएक्टर, जो सेचुरेशन कोल के रिएक्टर के अक्रॉस में भी माइनस EDC वोल्टेज होगे, आपके जो कैपेसिटर के पोलारिटी चेंज करेगा, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गया है। देखो आप यहाँ पे ग्राफ पेपर पे देखो, वो EDC से माइनस EDC हो गया, अभी उसके अक्रॉस में माइनस EDC वोल्टेज हो गया है, तो वो माइनस EDC वोल्टेज किसको देगा, सेचुरेबल रिएक्टर को देगा। अभी ये इसके पास कितने वोल्टेज हुए, तो इसके पास सेम ही वोल्टेज हुए ना, कितने हुए, माइनस EDC, माइनस EDC हुए ना, तो वो किसको देगा, अगेन वो इसको ही देगा ना, इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये पता चला, ये पता चला, तो ऐसा लिखो, माइनस ई, माइनस ई डन, इतना लिखो तो मुझे पता चलेगा, माइनस ई डन। अभी कैपेसिटर के अक्रॉस में डिस्चार्ज हो गया, जिससे वो फिर से उसके अक्रॉस में माइनस EDC जितने वोल्टेज हो गए, और वो माइनस EDC वोल्टेज किसको देगा, SR को देगा, सेचुरेबल रिएक्टर को, किसको देगा, सेचुरेबल रिएक्टर को। अगर ये पता चल गया तो आप माइनस ई डन लिखो तो मुझे पता चल जाएगा। अभी फिर से मैंने पहले क्या किया था, मैंने सेचुरेबल रिएक्टर को पॉजिटिव दिया, तो वो क्या हुआ कि पॉजिटिव से नेगेटिव गया। अब मैंने उसको नेगेटिव दिया, तो नेगेटिव से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पर जाएगा। अब वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, देखो आप ग्राफ पेपर में देख सकते हो। अब उसको माइनस EDC वोल्टेज मिलते हैं, तो माइनस EDC वोल्टेज से वो अपना फ्लक्स सेचुरेशन है, वो पॉजिटिव फ्लक्स सेचुरेशन पर जाएगा, और जब तक वो पॉजिटिव सेचुरेशन पर नहीं पहुँच जाता है, तब तक कैपेसिटर खुद की पोलारिटी चेंज नहीं करेगा। जैसे ही ऊपर पॉइंट में था ना, ऐसे ही देखो अपर वाले पॉइंट में जो था ना, ऐसे देखो, फिर यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू द कोर गोज टू पॉजिटिव सेचुरेशन फ्रॉम
देन नेगेटिव सेचुरेशन। ये क्या बोल रहा है कि आपका कोर अब नेगेटिव सेचुरेशन से पॉजिटिव सेचुरेशन पे जा रहा है, जिससे जब तक वो पॉजिटिव सेचुरेशन पे नहीं पहुंच जाता तब तक वो कैपेसिटर अपनी पोलैरिटी सेम रखेगा। जैसे ही पोलैरिटी सेम रखेगा, ये आपका स्टेप नंबर M2 हुआ। अगर ये आपको पता चल गया तो M2 थंब और एनरोलमेंट नंबर लिख के कमेंट कर सकते हैं। इतना समझना है आपको। देखो यहाँ पर मॉर्गन बहुत डिफ़िकल्ट है, जॉन के जैसा इजी नहीं है। वेरी गुड माइनस ई वाले सब लोग ने जिसने भी कमेंट किए है, यानी कि आप कनेक्ट है और आपको पता चल रहा है। चलो डन, M2 डन। खाली रविंद्र भाई अपडेट करी भाई, बाकी बजा भाई माइनस ही पति गयो। अफजल M2 पन पति गयो, वेरी गुड। अभी क्या होगा, आपका सैचुरेबल रिएक्टर पहुंच गया पॉजिटिव पे। आपको ग्राफ और सर्किट दोनों के लेके थियरी लिखना है। अगेन फिर से कैपेसिटी आपका चार्ज होगा और अभी आपको T1 को डिस्चार्ज कर, T1 को ऑफ करना है। ये सब प्रोसेस हो गए T1 की ऑन, अभी ऑन करना है। तो आपका करंट कैसे फ्लो होगा, कैपेसिटर से सैचुरेबल रिएक्टर और वापस T1। तो यहाँ पे आपका T1 का जो करंट है वो होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा और जिससे आपका T1 ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, आफ्टर सम डिफाइंड पीरियड, यानी कि आपको डिज़ाइन करना है SCR को कब ऑन करना है, चॉपर को कब ऑन करना है। द कैपेसिटर डिस्चार्ज क्विकली थ्रू SCR T1 एंड पोस्ट सेचुएशन इंडक्टेंस। इसका मतलब क्या होता है कि आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ये डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा, जिससे क्या होगा, कैपेसिटर ने अपनी पोलारिटी चेंज कर दी थी, यानी कि ये प्लस था ये माइनस था। तो आपका करंट कैपेसिटर से SCR सेचुरेबल रिएक्टर, वहाँ से जाएगा T1। तो आपको पता है जब भी T1 का करंट होल्डिंग करंट से कम होगा, SCR का करंट होल्डिंग करंट से कम होगा, तो ये क्या हो गया, ऑफ। ये ऑफ हो गया, इंडक्टर के पास अपनी एनर्जी थी तो इंडक्टर जो चार्ज हुआ था, ये करंट यहाँ से फ्लो होगा, इंडक्टर लोड DF और वापस इंडक्टर, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। और कैपेसिटर यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया और T1 को ऑफ कर दिया। इतना आपको थियरी में लिखना है, यही आपको ग्राफ में दिखाए। देखो ये जो करंट है आपका, ये करंट आपको कॉन्स्टेंटली मिल रहेगा, क्योंकि ये T1 जब ऑन था ये दोनों साइकिल में T1 ऑफ था, फिर T1 ऑफ हो गया तो इंडक्टर स्टार्ट हुआ, तो इंडक्टर में ये इंडक्टर के ड्यूरिंग हुआ और ये T1 के टाइम में हुआ। पहले आपका जो IF T1 और IF, यानी कि जब भी T1 ऑफ होगा तब आपका जो करंट है वो IF फ्रीव्हील डायोड में से कनेक्ट होगा, यानी कि उस टाइम पे आपको कैपेसिटर आप चार्ज करते हो, इसलिए आपका करंट IF बोलेंगे, और जब T1 को ऑन करेगा तो आपका करंट IT1 बोलेंगे। आपको ये ग्राफ और ये थियरी एक्सप्लेन करनी है। लास्ट पोर्शन में फिर से एक बार रिवाइज कर बोल देता हूँ कि जब भी आपका कैपेसिटर पोलारिटी चेंज करेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो आपका करंट माइनस सैचुरेबल रिएक्टर और T1 में फ्लो होगा, जिससे T1 का करंट होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा, और ये आपका करंट यहाँ से फ्लो होगा, जिससे आपका करंट लोड में कंटिन्यूस मिलेगा। ये थियरी जिसको पता चल गई है वो टी थम और एनरोलमेंट नंबर लिख के कमेंट कर सकते हैं। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। देखो M1 में क्या था, T1 पहले हमने क्या किया था, मैं एक बार सब पूरा फास्ट में रिवाइज कर ले रहा हूँ। पहले हमने कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए ये करंट यहाँ से फ्लो किया था, देखो राइट। तो ये करंट हुआ IF करंट, फिर हमने क्या किया, T1 को ऑन किया, तब हमारा करंट यहाँ से यहाँ पे फ्लो हुआ, तब कैपेसिटर जो वोल्टेज थे वो सैचुरेशन रिएक्टर को दे दिए, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव गए। अब जब तक नेगेटिव नहीं गए तब तक उसने क्या किया, अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं की। जैसे ही वो नेगेटिव पे पहुंच गए, कैपेसिटर के अक्रॉस में माइनस EDC वोल्टेज मिल गए, जिससे आपका
सेचुएशन रिएक्टर है वो माइनस ईडीसी से प्लस ईडीसी तक वोल्टेज तक गए, और जैसे प्लस पे पहुँचे आफ्टर सम डिफाइंड टाइम ऑफ प्लस ईडीसी पे पहुँचे कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, कैपेसिटर एसआर और टी1 पे, जिससे आपका टी1 का करंट होल्डिंग करंट से कम हो गया और टी1 ऑफ हो गया। जब टी1 ऑफ हो गया तब ये इंडक्टर के ड्यू टू दैट इंडक्टर आपका करंट फ्रीव्हील डायोड में से कनेक्ट होता, फ्रीव्हील डायोड में से फ्लो होता है। ये चार स्टेप थे, जिसकी थियरी डन हो गई वो कमेंट कर सकते हैं। ओके, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। ओके, दिस इज अ टाइम ऑफ अटेंडेंस, आपको अटेंडेंस देनी है। अटेंडेंस में आपको सिर्फ थम और एनरोलमेंट नंबर लिख के कमेंट करना है। सपोज़ यहाँ पे थम लिखो और एनरोलमेंट नंबर मेरा 22 है, तो यहाँ पे 22 लिख के कमेंट करो, अटेंडेंस हो जाएगी फटाफट। अटेंडेंस दे दो और हम लेक्चर को फिनिश करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा ये वीक में। भार्गवी की अटेंडेंस हो गई, बाकी सबकी? वेरी गुड। जिसकी भी अटेंडेंस बाकी हो फटाफट अटेंडेंस दे दें। चलो भाई फटाफट, लास्ट वन मिनट। लास्ट वन मिनट। जिसकी भी अटेंडेंस बाकी हो अटेंडेंस दे दें।